हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए इस वीडियो में बताते हैं विंडोज सर्वर 2008 बैकअप के बारे में। इसके लिए अपने हम सर्वर पे चलते हैं। तो सर्वर पे चलने के बाद हम अपने जो भी है विंडोज सर्वर बैकअप को ओपन करते हैं। स्टार्ट पे आते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विंडोज सर्वर बैकअप। विंडोज सर्वर बैकअप को हम ओपन कर रहे हैं। ये आपके सामने भी विजार्ड ओपन हो गया विंडोज सर्वर बैकअप के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे दे रहा है विंडोज सर्वर बैकअप इज नॉट इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर, टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर बैकअप क्लिक स्टार्ट, क्लिक सर्वर मैनेजर, क्लिक एड फीचर एंड देन सेलेक्ट सर्वर बैकअप। कह रहा है कि आपका ये जो सर्वर बैकअप है इसका एक फीचर्स है जो कि इसमें दिया तो है लेकिन उस फीचर को हमने इंस्टॉल नहीं किया है। तो हमें इसे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है कि आप इंस्टॉल करिए सर्वर मैनेजर में जाके। तो हम अपने सर्वर मैनेजर के ऊपर चलते हैं। स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एंड सर्वर मैनेजर, यहाँ पे हमारा सर्वर मैनेजर है। सर्वर मैनेजर हमारा ओपन हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फीचर। फीचर पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से एक्सपेंड करते हैं इसको। और यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं ऐड फीचर। ऐड फीचर पे हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैकअप के लिए विंडोज सर्वर बैकअप फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है, और इसको स्पैन कर रहे हैं तो दो ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक दे रहा है विंडोज सर्वर बैकअप, एक दे रहा है कमांड लाइन टूल्स। अगर आप चाहते हो कमांड से भी बैकअप लेना तो आप कमांड से भी बैकअप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ग्राफिकली यूज, जो आपका ग्राफिकली यूज है इसके थ्रू भी चाहते हो तो कर सकते हो। तो हम इसको भी करते हैं क्योंकि मैं अगले वीडियो में कमांड के थ्रू भी बताऊंगा कि कैसे बैकअप इसका लिया जाता है। फिर मैं नेक्स्ट करता हूं, यहां पे इंस्टॉल करता हूं। ये भी इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि देखिए क्या होता क्या है कि हमारा जो टर्मिनल जो हमारा सर्वर बैकअप होता है ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में वो ऑप्शन दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें यह होता क्या है कि कई सारे फीचर्स होते हैं, उस फीचर को हमें एड रोल के थ्रू इंस्टॉल करना होता है। जब इंस्टॉल हो जाता है तभी जाकर के हमारा ये सर्वर जो भी काम करता है बैकअप के थ्रू काम करता है, ये सारी चीजें आपको दिखने लगेगा। तो अभी देखिए कुछ समय ले रहा है, हमारा जो रोल है वो इंस्टॉल हो रहा है, कुछ समय ले रहा है। तब तक के लिए अपने वीडियो को हम पॉज करते हैं, जब तक ये होता है फिर मैं अपने वीडियो पे आता हूँ। देखिए जब तब तक हम वीडियो को पॉज किए हुए थे ये हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। तो इसको हम क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब फिर मैं यहाँ पे आता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और उसके बाद से आपको सर्वर बैकअप, बैकअप को ओपन कर रहा हूँ। ये हमारा विजार्ड ओपन हो गया। देखिए इसके पहले कुछ आपको मैसेज दे रहा था कि आपका ये जो फीचर्स है वो इंस्टॉल नहीं है। अब आपको क्या कर रहा है, ये आपका बैकअप जो है सर्वर विंडोज सर्वर बैकअप ये लोकल दे रहा है। यहाँ पे अभी इसको वेट कर रहा है कि क्या, यहाँ पे आपका क्या होता है मैसेज होता है, डिटेल होता है कि कितने बैकअप आपने लिए, क्या चीज़ आप कौन कौन से बैकअप आपका सक्सेसफुल रहा। तो देखिए अभी कर रहा है नो बैकअप हैज बीन कॉन्फिगर, ठीक है। तो जो भी बैकअप है अभी कोई बैकअप कॉन्फिगर नहीं है, यहाँ पे बैकअप कॉपी भी जीरो है। तो अभी आपने देखा कि इसके फीचर को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपको बैकअप को कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे कैसे आपका बैकअप बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।